हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट के लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पार्टनर जिनके बारे में आप करंट में सोच रहे हो, वो अगले 3 घंटे आपके बारे में क्या कुछ सोचेंगे, क्या कुछ फील करेंगे। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव के एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड से स्लोइंग डाउन, इंटीग्रेशन, इंटेंसिटी, क्रिएटिविटी, द मास्टर, गोइंग विद द फ्लो। नंबर है यहाँ पे 14 3 1 1 3 2। 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटेकल्स, वाओ, 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटेकल्स एंड द पेज ऑफ सोर्स। बॉटम है यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स, वेरी पॉजिटिव एनर्जीज। तो आपके पार्टनर स्ट्रांगली टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के। कोई मुझे मैसेज करके बोलता रहता आप सारे साइंस की रीडिंग करते हो लेकिन कुंभ राशि की रीडिंग नहीं करते, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ये फील होता है ना ये रीडिंग आपकी है तो आपके लिए ही होती है, ठीक है, सबके लिए है, कलेक्टिव के एनर्जीज होती है। आपको बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना होता है जिससे कि आपको एनर्जीज फील हो, ठीक है। मुझे हंसी आती है जब कोई ऐसे मैसेजेस करता है तो यस, यहाँ पे बॉटम में स्लोइंग डाउन और 4 ऑफ वैंड्स है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पे दिख रही है मुझे। 4 ऑफ वैंड्स मतलब कि रीयूनियन तो डेफिनेटली आपके इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है। अगले 3 घंटे बहुत ज़्यादा प्लानिंग चलेंगे रीयूनियन के, क्या करूँ, कैसे करूँ, बात कैसे करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, जाना है, और जो कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलेगी। ये आपको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। चांसेस बनते कि अगर आपने इनको कुछ कॉल मैसेज करके रखा था ना अभी 2-4-5 दिन पहले, 1 महीने पहले, डेफिनेटली इन्होंने आपको रिप्लाई तो किया नहीं है, तो उस बात को लेके बहुत ज़्यादा थिंकिंग करेगी अगले 3 घंटों में कि काश उस टाइम पे अगर मैं उसको रिप्लाई कर देता तो आज तक जो कि हमारा रिश्ता अच्छे से स्टार्ट हो चुका होता। वो कि उस टाइम पे उन्होंने प्रैक्टिकली सोचा और जो कि आपको मतलब इग्नोर कर दिया। उन्होंने ऐसा सोचा था कि बाद में रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन हो सकता है कि बाद में आपने इनको कॉल मैसेज किया ही नहीं। इंटीग्रेशन का कार्ड है यहाँ पे, इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के बारे में सोच रहे हैं, ये खुद बैलेंस्ड हो चुके हैं। रोना धोना हंसना सब कुछ इनकी ज़िंदगी में अभी करंट में चल रहा है, और जो कि रिग्रेशन है आपको रिजेक्ट करने का, आपको मना करने का, आपको इग्नोर करने का। अगले 3 घंटे ओवर थिंकिंग चलेगी, आपके सोशल मीडियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रहेगी, देखेंगे ध्यान देके कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप एक दोनों मतलब अगर आप दोनों पास पास रहते हो ना, तो ये जैसे कि आपके घर से यहाँ से वहाँ जाते हुए आपको दिखाई देंगे बाइक पे, गाड़ी पे, और जैसे कि अगर थोड़ा सा दूर रहते हैं तो आपको ये ना ज़्यादा ऑनलाइन दिखाई देंगे, FB पे, इंस्टा पे, आपको ये समझ में आएगा कि ये ऑनलाइन क्यों है और ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। इस तरह के एनर्जीज है। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है ना सोशल मीडिया पे, इनके खुद के अकाउंट पे, तो ये जैसे कि फेक अकाउंट्स बना के आपको देखते रहते हैं, लेकिन ये आपको देखते ज़रूर हैं। अगले 3 घंटे भी बहुत ज़्यादा देखेंगे एकदम रिलैक्स माइंडसेट के साथ। 10 ऑफ पेंटेकल्स, मुझे जाना है, मुझे बात करनी है, इनको कंट्रोल नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों को 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड सेंटर में है, जो कि क्विक एक्शन को शो करता है। चांसेस बनते हैं कि इन 3 घंटों में आपके पार्टनर की तरफ से आपको एक्शन आ जाए, ऑफ़र आ जाए, बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफ़र, जो कि शादी का भी हो सकता है, ये आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी गलती को रियलाइज़ कर लिया है। द मास्टर का कार्ड यही शो करता है कि इतने टाइम तक जो ये आपके ऊपर ब्लेम करते रहते थे कि गलती आपकी है और जो कि आपको अवॉइड किया जाता था, लेकिन जो कि अब इनको अपनी मिस्टेक समझ में आ चुके हैं। अगले 3 घंटों में जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब कि पहले आपको रिप्लाई नहीं किया था, तो अब जो कि मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे ही खुद होकर कॉल मैसेज करना पड़ेगा, और जो कि मुझे ही मतलब बड़ा वाला ऑफ़र आप इनसे जो चाहते हो ना वो आपको डेफिनेटली देना चाहेंगे। आप इनके जो भी मैसेज आएगा ना इनकी तरफ से आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हों, और जो कि क्विक एक्शन है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इन 3 घंटों में आपके पार्टनर से एक्शन आने वाला है, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इनके पार्टनर का एक्शन स्लो आएगा,
लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड है बॉटम में, तो कुछ लोगों को स्लो आएगा, कुछ लोगों को अगले 3 घंटों में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे द मास्टर का कार्ड यही शो करता है कि आपके पार्टनर ने अपने आप को अपने आप में जैसे कि रियलाइज़ भी कर लिया है, और जो कि आपको दिल से सॉरी भी बोलना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर अपने आप के ऊपर वर्क किया है, मेडिटेशन किया है, वॉक एक्सरसाइज सब कुछ करके अपने अंदर पॉजिटिविटी इन्होंने क्रिएट कर ली है, जिसकी वजह से अब जो कि इनका मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो इमोशनल भी अब हो चुके हैं आपकी साइड से, आप मतलब कि आपकी जगह पे अपने आप को रख कर वो सोचने लगे हैं कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया था कितना गलत था। क्रिएटिविटी का कार्ड यही शो करता है कि आपके पास जैसे कि आपके साथ दुनिया बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, ब्राइटनेस है यहाँ पे इनको, आपका इनको अपना ब्राइट फ्यूचर आपके साथ ही दिखता है। अगर मैं इसके पास नहीं गया तो जो कि मैं जीते जी मर जाऊँगा, ये इस तरह से अगले 3 घंटों में बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड यही शो करता है कि ये उन्हीं रास्तों से आपके पास आ रहे हैं जो रास्ते यूनिवर्स इनको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एकदम हैप्पी हो जाना है, आपके पार्टनर आपके पास बहुत जल्दी आने के लिए निकल चुके हैं, तो आपको हैप्पी हो जाना। आपके पार्टनर का आपको कभी भी मैसेज आ सकता है, बस आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, लड़ाई करने के मूड में हो, तो आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है। अगर इनकी तरफ से आपको कुछ भी कॉल मैसेज एक्शन आ जाता है, और अगर उसको उसको पढ़ते टाइम आपको बहुत ज़्यादा दिल करे उनको गलत सलत बोलने का, तो आपको नहीं बोलना है। चाहो तो उस मैसेज का उस कॉल का रिप्लाई आप मत दो, कल दो, अगले दिन दो, उनको बुरा नहीं लगेगा, या आपके कॉल मैसेज की रिप्लाई का इंतज़ार करेंगे। लेकिन अगर आप गुस्से में कुछ गलत सलत बोल देते हो, तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर ये पर्सन अब चले जाएंगे तो शायद जल्दी वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब एम्प्रेस समझते हैं, और कोई एम्प्रेस आपके सामने झुकने के लिए रेडी है तो उसका ईगो आपको बार बार तोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे शेयरिंग का कार्ड भी यही शो करता है कि आपसे अपना प्यार शेयर करना चाहेंगे अगले 3 घंटों में, ठीक है। हम देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। थ्रू मैसेज द यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के लिए करंट पे एंजल गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। मेरे यूनिवर्स के लिए करंट पे एंजल गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, क्या है एंजल गाइडेंस इस रिश्ते के लिए। वाओ, द लवर्स का कार्ड है। देखा मैंने बोला ना, बहुत सारे लोगों का बहुत जल्दी रीयूनियन होने वाला है, तो आपको कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। अपना एक थिंकिंग बना लो, अगर हो सकता है कि अगर आप किसी और के बारे में सोच रहे हो, किसी और के पास जाने के बारे में सोच रहे हो, तो कंफ्यूज मत रहो, क्योंकि अगर आप एक डिसाइड नहीं कर पाए तो यूनिवर्स आपको कैसे देंगे, राइट। आपको एक डिसीजन लेना होता है कि यस मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए, तभी आपको वो मिलता है। अगर आप दोनों पर स्टक रहोगे, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो यूनिवर्स आपको नहीं दे पाएंगे, फिर जल्दी नहीं होता है रीयूनियन, ठीक है। तो सबसे पहले एक थॉट बना लो कि आपको आपका पार्टनर ही चाहिए और उन्हीं के साथ रीयूनियन चाहिए, तो बहुत जल्दी आपका रीयूनियन होने वाला है इस तरह से, क्योंकि यूनिवर्स का, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कन्फ्यूज्ड एनर्जीज में हैं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इस तरह के एनर्जीज है, तो कन्फ्यूज मत रहो। यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आपको इस बात पे भरोसा करना है कि आपका रीयूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, जो कि आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रह जाना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देगा नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।